गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड। सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसके बारे में। तो आज मैं इसमें राइट और रॉन्ग, सही या गलत के बारे में बताऊंगी कि बच्चन जी का जो नाउ स्टार्ट फर्स्ट है, बच्चन जी गांधी जी के बीमारी विषयक विधान से असहमत थे। आपको बोलना राइट या रॉन्ग बोलना, असहमत थे, रॉन्ग है या राइट, ओके। गलत या सही का यहाँ आपको मार्क करना है। क्या लिखा मैंने, निम्नलिखित विधान सही या गलत यह बताइए। आपको क्या करना है, यहाँ मैं जो लिखी हूँ उसमें आपको राइट रॉन्ग गलत या सही बताना है। गलत लिख भी सकते हैं या गलत का मार्क भी दे सकते हैं, या सही लिख भी सकते हैं या सही, इट्स ओके, इट विल डू, सब चलेगा, ओके। तो आप क्या है, बच्चन जी गांधी जी के बीमारी विषयक विधान से सहमत थे, ये गलत है या सही? क्या है, गलत। वो उनके विधान से क्या थे, सहमत नहीं थे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रॉन्ग यानी कि गलत, ओके, है ना, ठीक है। सेकंड देखेंगे, पैसे के अभाव में बच्चन जी, क्या सेकंड है, पैसे के अभाव में क्या हुआ था उनको, पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में, ओके, ये क्या करते थे, टाल मटोल करते थे। तो आपको यहाँ बताना है कि राइट है या रॉन्ग, ओके। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर ने बच्चन जी को क्या किया था, थर्ड है, डॉक्टर ने बच्चन जी को डॉक्टर ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई थी। क्या बताई थी, तपेदिक बीमारी बताई थी, ओके। उन्होंने क्या इनको बताया था, तपेदिक बीमारी बताई। फिर तो ये राइट है या रॉन्ग, आपको यहाँ ये बताना है। पहला सेकंड में क्या था, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में क्या करते थे, टाल मटोल करते थे, राइट या रॉन्ग ये आपको बताना है। तो क्या है, ये सही है। वो जब उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोला जाता था तो वो क्या बोलते थे, नहीं जाना है, मन को इधर से उधर करके बातों में उलझा के वो उस बात को टाल देते थे। तो इसलिए यहाँ ये डॉक्टर ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई।
लगाई थी, गलत है या सही? ये भी क्या है? सही। बताई थी उनको, हाँ ओके, तो राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, बच्चन जी को मरने से पहले जीना अच्छा लगा। फोर्थ में देखेंगे, बच्चन जी को मरने से पहले क्या हुआ था उनको? मरने से पहले जीना अच्छा लगा था। क्या लगा था उनको? जीना अच्छा लगा था। अच्छा लगा है ना उनको, मरने से पहले क्या लगा था? अच्छा लगा। ये गलत है या सही? आपको यहाँ बताना है यह गलत है या सही। क्या है? उनको अच्छा नहीं लगा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? गलत। ओके, तो आपको मेरी बीमारी श्यामा ने लिखित विधान सही रहेगा, राइट एरर करके आपको बताना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने करा दिया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यू नो। तो हम आगे बढ़ लेंगे कि अभी मैं आपको एक ए से लिखवाने वाली हूँ, तो आप नोट डाउन करेंगे और ए से लिखेंगे। ए से बच्चों आपको ऐसा नहीं कि जो मैं बता रही हूँ लिखा रही हूँ वही ए से आपको जानना है, लिखना है, और वर्कशीट में आ सकता है या एग्जाम में आ सकता है। ओके, मैं अपने मन से भी एक दो दे सकती हूँ, तो आपको अपने आप भी अपनी भाषा में इतना तो नॉलेज है ही, उसके बारे में आप सेंटेंस लिख सकते हैं 50 वाक्यों में, 100 वाक्यों में, जो भी आपको जितना आ सके उतना लिखना है। और आपको नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है? कोशिश करनी है। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में है, निबंध के ऐसे के लिए ऐसे वाले बुक में है, तो उसमें से रीड करना है, उसमें से पढ़ना है, और उसके बारे में हमें लिखना है। तो ओके, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसे की तरफ से निबंध लिखेंगे, है ना, निबंध लिखेंगे आपको। ओके, तो कौन सा? बगीचा या उद्घाटन, है ना, बगीचा या उद्घाटन, हम उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये भी हो सकता है ऐसे, या हमारे पेड़ हमारे मित्र है, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पेड़ हमारे मित्र, कोई सा भी आ सकता है, पेड़ हमारे क्या है? मित्र है। फ्रेंड तो होते ही है ना, आपका दोस्त तो होता है, तो उसी तरह पेड़ हमारा क्या है? हम उसको क्या करेंगे? फ्रेंड बना लेंगे। ओके, तो हमें पेड़ क्या देता है? छाया देता है, पेड़ पौधा देता है, ऑक्सीजन देता है, सब देता है ना, फल फूल देता है। तो हमारा क्या है? पेड़ हमारे मित्र है, माई ट्री माई फ्रेंड। ओके, तो क्या लिखेंगे? मनुष्य और पेड़ के बगीचा, क्या लिखेंगे? मनुष्य, लिखिए मनुष्य, मनुष्य और पेड़ के, और पेड़ के बीच, है ना, पेड़ के बीच क्या है? हमेशा गहरा संबंध रहा है। क्या रहा है? हमेशा गहरा संबंध रहा है। ओके, क्या रहा है? हमेशा गहरा संबंध रहा है। आप तो पेड़ के बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, लिखा दूँ, तो आप पूरा डिटेल में लिख सकते हो ना। तो क्या लिखेंगे? पेड़ बहुत परोपकारी होते हैं। क्या है? पेड़, लिखिए पेड़ बहुत परोपकारी होते हैं। होते हैं।
लेते हैं। फिर हमें क्या लेते हैं, फिर हमें शीतल छाया देते हैं। छाया देते हैं, फिर हमें क्या देते हैं, शीतल छाया देते हैं, उनसे हमें फल फूल प्राप्त होता है। हमें क्या होता है, उनसे हमें फल फूल क्या होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ओके, फिर आगे लिखेंगे हम क्या, मकान और फर्नीचर के लिए जरूरी लकड़ी पेड़ से ही मिलता है। मकान, जो हमारे मकान बनते हैं, जहाँ फर्नीचर बनाते हैं, सोफा, चेयर, टेबल, कुर्सी, वो किससे बनता है बच्चों, हमें पेड़ के लकड़ियों से बनता है। मकान और फर्नीचर के लिए जरूरी तने से क्या होता है, तने और पत्तों से होती है, पेड़ों की हरियाली क्या होता है, और वर्षा भी
अधिक होती है।
पैरों का महत्व भूल गए हैं, का महत्व भूल गए हैं। ओके, आज हम पैर का महत्व भूल गए हैं। हम पैरों की अंधाधुंध कटाई करते हैं। हम पैरों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, है ना। हम पेड़ को काटते हैं ना, तो अंधाधुंध हम कटाई करते हैं। इसके कारण हमारे वन उपवन उजड़ गए हैं। ओके, अब तो और आप इसमें लिख सकते हैं ना, उजड़ गए हैं। फिर पेड़ों का विनाश करने के कारण वर्षा कम होने लगी है, ये लिख सकते हैं। पानी के अभाव के में बार बार हमें अकाल का सामना करना पड़ता है। लिखिए, पानी के अभाव में क्या करना पड़ता है हमें, पानी के अभाव में हमें अकाल का सामना करना पड़ता है। सचमुच पेड़ों से मित्रता बनाए रखकर ही मित्रता बनाए रखना ही हम सुखी और सुंदर जीवन जी सकते हैं। सचमुच पेड़ों से मित्रता बना रख कर ही हम सचमुच जीवन क्या कर सकते हैं, हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सुखी जीवन सुखी सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारे मित्र हैं। ओके, तो मैंने आपको इसे लिखा दिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आप
अपनी भाषा से भी इसमें लिख सकते हैं। और लेटर भी मैं बता दी हूँ आपको लिखने के लिए कि लेटर कैसे आते हैं और लिखना होता है, तो लेटर भी आपको लिखना है। चलिए लेटर आप एक और लेटर लिखवाने के लिए मैं आपको बता दूं कि अपने छोटे भाई को बचत का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। अपने छोटे भाई के बारे में क्या लिखना है, ये तो ऐसे हो गया। लेटर लिख के फॉर्मेट भी बता देती हूँ आपको कि छोटे भाई के पास लिखना है, बड़े भाई के पास लिखना है, या बड़ी माँ के पास लिखना है, दीदी के पास लिखना है, चाचा के भी पास लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या लिखना है, पहले अपना पता लिखना है, आपका जो भी पता है। पहले हेडिंग लिखेंगे कि पत्र लेखन, है ना, राइटिंग लेटर। ओके, राइटिंग लेटर में तो आपको अपने आप ही डिटेल्स उसमें भरना पड़ेगा, पर मैं फॉर्मेट बता देती हूँ कि वन में आता आपका क्या लिखना है, अपने छोटे भाई, लिखिए अपने छोटे भाई, है ना, अपने छोटे भाई को बचत का महत्व बचत का महत्व समझाते हुए एक पत्र लिखिए। बचत का महत्व समझाते हुए एक पत्र लिखिए। ओके, आप एक पत्र लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले मैं आपको बताई हूँ, फिर बता देती हूँ यहाँ क्या लिखेंगे हम, एड्रेस, पता। ओके, पहले अपना पता लिखते हैं, फिर पता में आपका लिख सकते हैं आपका मणिपुर है, भोपाल है, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, तो यहाँ हम पता लिखेंगे, डेट लिखेंगे, है ना, कितना तारीख है आज, और डेट लिखेंगे, है ना, फिर डे लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, और जो भी आपका घर का नंबर है वो लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट में क्या लिखेंगे, चिरंजीवी अशोक, छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, चिरंजीवी, या प्रिय, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिय तो जानते ही, तो हम क्या लिखेंगे, चिरंजीवी, है ना, चिरंजीव विनय लिख सकते हैं, है ना, चिरंजीव विनय, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शुभ आशीष या शुभ आशीर्वाद या शुभ आशीष या स्नेह, बड़ा प्यार, शुभ, है ना, शुभ आशीर्वाद, हम उसको आशीर्वाद देंगे, है ना, इसलिए कि वो हमसे छोटा है, तो क्या करेंगे, आशीर्वाद लिख के फिर यहाँ आए फुल स्टॉप। फिर यहाँ इसके बाद हम लिखेंगे, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, क्या लिखेंगे, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, क्या लिखेंगे, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, क्या लिखेंगे, पढ़कर खुशी हुई। ओके, पढ़कर खुशी हुई। फिर आगे आपके मन में जो विचार आता है, किंतु एक बात से दुख हुआ कि तुमने और 50 रुपये की मांग की है। फिर इसमें क्या हमने लिखा है, पैसे की बचत, ना, तो ये इसमें लिख दिया उन्होंने कि मुझे इस बात की दुख हुआ, मुझे इस बात का दुख हुआ कि तुमने
क्या किया है उसने? 50 रुपये की मांग की है तुमने, और 50 रुपये की मांग की है, और 50 रुपये ऊपर मैं लिख देती हूँ, तुमने 50 रुपयों की मांग की है, मांग की, ओके, 50 रुपये की मांग की है, ओके। वो जब उन्होंने बचत करने के लिए कहा तो उन्होंने क्या किया है, ऊपर से 50 रुपया क्या किया है, मांगा, इसलिए उनको दुख हुआ। तो इसके बीच में आप और भी अपने मन जो आपका मैटर है, मेरे पास पैसा है या नहीं है, या दो रोज बाद मैं तुमको भेज सकता हूँ, या और भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप लिख के उसको पंच के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। लास्ट में कर इस समय मैं 50 रुपया मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ। लास्ट में अगर भेजना है तो क्या लिखेंगे आप, इस समय है ना, मैं 50 रुपया मनी ऑर्डर के द्वारा भेज रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान में रख कर क्या लिखा रहा है, क्या वो समझा रहा है भाई, मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ, है ना, से भेज रहा हूँ, ओके। तो आप इसके नीचे आप लिख सकते हैं भेज रहा हूँ, फिर तुम्हारा बड़ा भाई और आप एंड कर सकते हैं ऐसे, ओके। तो बच्चों आपको ये लेटर भी समझ में आ गया, आप लेटर भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी मेरी बीमारी श्यामा नेली के बारे में, राइटोन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और ओके आज के लिए बस इतना ही, ओके, हरिओम, थैंक यू।